बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। कवर्धा एसपी ऑफिस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दुष्कर्म पीड़िता ने खुद पर किरोसिन तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। आनन फानन में महिला पुलिसकर्मियों ने पीड़िता के हाथों से वो ज्वलनशील पदार्थ जो है उसे जब्त किया और उसे किसी तरीके से बचाया जाता है। पीड़िता ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि पांडा तराई के थाना प्रभारी ने पैसे लेकर 6 आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके साथ ही आरोपियों द्वारा पीड़िता के 6 लाख रुपए लेने के आरोप को गलत बताया है। युवती ने बताया कि ग्राम मंझोली निवासी अबरार खान के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। इस दौरान आरोपी ने उससे शादी का वादा किया था, अब शादी का झांसा देकर संबंध बनाया। इसके साथ ही रायपुर में परिजनों से उसकी पिटाई भी कराई। इसकी शिकायत जब थाने में की तो सुनवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर एसपी अभिषेक पल्लव ने युवती के सारे आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि युवती की शिकायत पर तत्काल ही मामला दर्ज कर आरोपी अपराध को गिरफ्तार किया गया। अब फिर से पीड़िता को रायपुर भेजा गया जहां रिपोर्ट दर्ज होगी। कवर्धा से यह बड़ा मामला सामने आया जहां पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप यह पीड़िता लगा रही है। बताया जा रहा है कि यह जो युवती है इसने आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि गनीमत यह रही कि मौके पर प्रशासन के लोग मौजूद थे। पीड़िता को तत्काल मौके से रेस्क्यू किया गया। रोज बाहर रहते हैं सर, हम कल भी आए थे। अरे देखो यार, देखो 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 तो वो पूछ सकते हो। मैं खुद अपने आप से मैंने अपने हाथ से पेट्रोल को लेके आई थी आग लगाने के लिए, क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं वहाँ जाती हूँ टीआई सर के पास, एसपी वो तो एसपी के सर भेज देते हैं, एसपी सर टीआई पर के पास भेज देते हैं, वहाँ से टिकरा पारा थाना में भेज देते हैं। मैं कहाँ जाऊँ, हर जगह मैं घूम चुकी हूँ, कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है मेरे को। तभी मैं मरने के लिए तैयार थी और अभी भी मर जाऊँगी जब इंसाफ नहीं मिलेगा। सेपरेट एप्लीकेशन में रेप पीड़ित महिला द्वारा कहा गया कि रायपुर के एक लॉज में मुख्य आरोपी एवं उसके 5 रिश्तेदारों द्वारा भी उसके साथ दुराचार एवं मारपीट की गई। क्योंकि इस आवेदन का घटनास्थल रायपुर था तो महिला को रायपुर पुलिस थाने भेजा गया जहां पे उसके आवेदन पर जांच चल रही है। आज इस घटना के बाद महिला को दोबारा रायपुर पुलिस थाना भेजा गया है जिससे कि वहाँ पर वह अपनी कार्रवाई करवा सकती है। कवर्धा जिले में हुए अपराध पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है और महिला द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं।